तो जी स्वागत है आज का तकनीकी संबंधी समाचार में, यानी कि वेलकम टू टेक न्यूज़। और आज की न्यूज के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले खबर की बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का गैलेक्सी M12 वियतनाम के अंदर आज अनाउंस हो गया। फोटो आप देख सकते हैं किस तरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो रियलमी का जो सी सीरीज आता है उसी की तरह आपको यहाँ पे देखने को ये मिल जाएगा। 6000 mAh का बैटरी, इन्फिनिटी वी नॉच वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। 48 MP का क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। 3GB, 4GB, 6GB तीन वेरियंट में आपको देखने को मिल जाता है। एक्जिनस का 850 वाला यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात करें तो अभी तक प्राइस रिवील नहीं किया है, धीरे धीरे इसका प्राइस के बारे में पता चल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल भी बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाला है एंटी थ्रेट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जिसके थ्रू अगर आपका फोन चोरी वगैरह हो जाता है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं इजीली, जैसे कि आईफोन में आप कर सकते हैं। तो बहुत जल्द गूगल में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं Xiaomi के बारे में। तो Xiaomi का 67 वाट वाला एक फास्ट चार्जर बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ट्यूब रेडलाइन में सर्टिफिकेशन लिस्टिंग हो चुका है। तो जो Mi 11 का ग्लोबल इवेंट है शायद से उसी टाइम में आपको ये देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करें तो वो भी Xiaomi के बारे में। तो Xiaomi का Mi 11 का ग्लोबल इवेंट बहुत जल्द होने वाला है, उससे पहले उसका यूरोपियन प्राइस यहाँ पे लीक हो गया है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 799 यूरो इसका प्राइस रखा गया है, जो कि अगर चाइनीज प्राइस देखें तो उससे बहुत ज्यादा प्राइस यहाँ पे ये रखा गया है। अगली खबर की बात करते हैं वो भी Xiaomi के बारे में है। और Xiaomi ने यहाँ पे एक कंसेप्ट फोन दिखाया है जो कि बोलते हैं क्वाड वाटर ड्रॉप वाला डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पे चारों तरफ बेजलेस मिलेगा और चारों तरफ जो स्क्रीन होगा वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, यानी कर्व होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड क्रॉप डिस्प्ले। आने वाले टाइम में Xiaomi के फोन में ये आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम यानी कि मे भी 2022-23 में आपको ये देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करें ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो का A15s का यहाँ पे इंडियन में एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फोटो आप देख सकते हैं और जो ये जो वेरिएंट है 4GB 128GB वाला वर्जन आपको ये देखने को मिल जाएगा। इससे पहले जो आ रहा था वो 4GB 64GB आ रहा था, ये एक नया वेरिएंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। प्राइस की बात करें तो 12,500 इसका प्राइस रखा गया है। अब आखिर खबर की बात करते हैं Realme के बारे में। तो Realme का V सीरीज का सबसे छोटा वाला फोन चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसका नाम है Realme V11 5G। ये भी एक 5G फोन है। V सीरीज में जितने भी फोन आते हैं सब 5G वाले होते हैं, तो ये भी एक 5G फोन है। फोटो आप देख सकते हैं किस तरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करें Dimensity का 700 का प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 6.5 इंच का यहाँ पे आपको HD+ वाला डिस्प्ले मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे फुल HD नहीं, HD+ वाला डिस्प्ले मिल रहा है। रैम रोम वेरिएंट की बात करें तो 4GB 6GB दो वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। 128GB स्टोरेज UFS 2.1 यानी अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज 2.1 सपोर्टेड है। 13 MP का यहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, उसके साथ आपको एक 2 MP का कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 MP का देखने को मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और यहाँ पे रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। 5000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। अब आखिर में बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस रखा गया बेस वेरिएंट यानी कि जो 4G वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया यहाँ पे 13,000 के आसपास, और जो नेक्स्ट वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया 15,000 के आसपास। तो ये था दोस्तों आज का एक छोटा सा मीठा सा तकनीकी संबंधित समाचार, यानी कि स्वीट एंड शॉर्ट टेक्निक इन शॉर्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर सकते हैं, और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेबल यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।